चलो घर चले। खेत है एंड वो देखिए कितने सारे यहाँ पे पानी भी हुआ हुआ है एंड इतने सारे खेत उग रहे हैं यहाँ पे पानी के अंदर। यह सबसे अच्छी बात है कि उसके अंदर ही उग रहे हैं सारे के सारे एंड यहाँ पे सांप वगैरह भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस वाले यहाँ पे होते हैं एंड बहुत डेंजरस वाले सांप होते हैं एंड वो देखिए कितने दूर तक जाता है ये पूरी खेत। तो यहाँ पे पूरे वहाँ पे गंदे का खेत भी है एंड वहाँ पे सामने डॉग बंगला भी है जो कि अंग्रेज़ों के जरिए बनाया गया था। तो अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, नहर की दूसरी तरफ है वो एंड उधर वो उधर अभी हम आपको वहाँ पे भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये आगे आपको दिख रहा होगा, ये है डॉग बंगला, ये पुराने जमाने का एक भूत बंगला है एंड अभी ये बहुत उसमें से तो भूत अभी भी है, रात के वक्त होते हैं लेकिन सुबह के वक्त नहीं होते, तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी। ये है डॉग बंगला, तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। पुराने जमाने का अंग्रेजों का बंगला था, इसके अंदर सारे के सारे भूत रहते थे, तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे और फिर आपको दिखा रहे हैं। ये रहा डॉग बंगला, यहाँ पे कोई भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मिकाइल हैं। ये है डॉग बंगला एंड इसमें अभी मुझे कुछ स्पिरिट वगैरह तो दिखने का है, चलो हम नीचे तक के बैठे। सो ये है डॉग बंगला एंड ये देखिए इसे देखने से ये इतना ज़्यादा अजीब हॉरर लग रहा है, इसे आप एक दफ़ा देखें तो। ये है डॉग बंगला, ये है डॉग बंगला। सो अभी इसके अंदर से हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कोई दिखेगी हमें भूतनी या फिर कोई कुछ उस स्पिरिट की है। फ्रेंड्स ये है डॉग बंगला एंड आप देखें एंड यहाँ पे ना ये देखें ये रहा डॉग बंगला पूरा है एंड ये भी जो दरख्त है ना इनके ऊपर यहाँ पे मशहूर है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह के परिंदे होते हैं, कोयल और हर तरह के परिंदे होते हैं यहाँ पे। अगर आप देखो ना इसके दरख्त देखें आप कितने बड़े बड़े हैं, ये देखें इतना बड़ा दरख्त है, ये कैमरे में छोटा लग रहा होगा लेकिन रियल में ये इतना बड़ा है ना, मैं आपको आपकी सोच ये बहुत बड़ा है।
यहाँ पे देखें ये दरख्त भी हैं, ये सारे जामन के दरख्त हैं, जामन के भी हैं और यहाँ पे ये पीपल के दरख्त हैं, खजूर के उधर आगे हैं एंड यहाँ पे वो आगे खजूर का दरख्त दिख रहा होगा हुँ? और वो भूत बंगला है, ये डॉग बंगला है एंड वो भूत बंगला है, डॉगी का बंगला, ये भूत बंगला एंड डोर बंगला एंड यहाँ पे ये भी एक भूत बंगला है, ये भी भूत बंगला है लेकिन ये डॉग बंगला है। एंड देखें यहाँ पे इतने सारे दरख्त हैं, इनके ऊपर ये जो आपको अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं ना, ये इधर हर तरह के परिंदे होते हैं। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा बहुत जाते हैं, कोई दरवाज़ा खुला है तो उसके अंदर भी जाके देखेंगे। ओ माय गॉड, वहाँ तो कोई जा रहा है लेकिन वो भूत नहीं है, कोई अंकल है। सो यहाँ पे मेरे साथ आए कोई, तो यहाँ पे चीखा मारने का रिवाज नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है। पापा इधर आए, सो डर लग रहा है। ओ दरवाज़ा खुला पड़ा है, वो वाला दरवाजे की जाली टूटी हुई है, एक सेकंड में अंदर। सो ये खुला हुआ था, ओ तेरी नलका भी लगा हुआ है, इधर भूत पानी पीते होंगे है ना पापा? मैं नहीं पीऊंगी। और वो आगे आम का दरख्त है, ये भी पीपल का, ये वो देखे, ये एक दरख्त है जो आपको हिला रहा है, ये देखे ये दरवाजा खुला पड़ा है। एक सेकंड अंदर देखूँ, थोड़ा सा दिखा दो अंदर से, इधर दूर से दिखा देती हूँ। सो अभी मैं देखते हैं, ये चलाओ नलका, चलते हैं। ये खुला पड़ा है दरवाजा, एंड वो टटेरी है, वो देखे वो टटेरी पूरी, कहाँ टटेरी, वो देखिए वो टटेरी बैठी है, टटेरी टटेरी का ये टटेरी, ये टटेरी बैठी है। चलो आपको करीब से दिखा देती हूँ, थोड़ा और करीब। चलो टटेरी, ये टटेरी बैठी हुई है। चलो आ, क्या बोलता है बच्चा? एंड यहाँ पे ये है नलका, ये देखिए ये है नलका, बताए ना पापा, इस नलके को चला के देखें। ओ माय गॉड, ये तो रेड कलर का कुछ, ये देखिए यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं ना आजकल की, ओए ओए तो रेड इंसेक्ट है, रेड कलर की कोई इंसेक्ट है ये। अब अंदर जाके थोड़े से देखते हैं, थोड़ा सा दिखा दूंगी, थोड़ी सी एंगल दिखा दूंगी, पानी भी निकलता है। मैंने आपको बस दिखाने के लिए मैं ये रिस्क ले रही हूँ, वरना नहीं ले, वरना मैं तो इधर भी ना आती। ऊपर नहीं, ऊपर जाके देखते, उधर आगे से मुझे कुछ किसी का सांस लेने की आवाज़ें आ रही है, तो इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। उधर वार्निंग भी लिखी हुई है, तो फट गई थोड़ी बहुत लिखी, एंड बिल्कुल मुझे इधर आने का आइडिया नहीं था, ये सिर्फ मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, इस पर लॉक नहीं है लेकिन बंद हुआ है, खुला हुआ है ये दरवाज़ा। अब आगे से थोड़ा बहुत दिखा के आती हूँ मैं आपको, एंड करीब मैं इनके करीब नहीं जाऊँगी, क्योंकि कहा जाता है कि इनके आजकल जो है इनके दरवाजे के पीछे भी बैठे होते हैं। सो ये एक दरवाज़ा है, इधर वर्ड्स भी अजीब लिखे हुए हैं, यहाँ पे वासा बाबा वाह लिखा हुआ है, वो लाइट टूटी पड़ी है, ये देखें ये भी है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी है इधर, ये वाला दरवाज़ा भी, एंड ये नौकर। तो मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये इसकी एंगल है कैमरा की, ये देखिए नौकर साहब इधर सारे रहते हैं। यहाँ पे इतने सारे हैं ना साहबा रजी तला, नौकर साहब रजी तला, ये ऐसे पता नहीं किसी पहाड़ ने लिखा होगा ऐसे लिखा जाते हैं भूत बंगले के आ गई है। सो यहाँ पे ये घंटी थी जो कि गिर चुकी है यहाँ पे, एंड जैसे देख के डर लग रहा है मेरे पीछे से कोई पकड़ के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ भी बड़ी हॉरर हॉरर है। सो चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स,
कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।